वेलकम टू काउट्स एकेडमी और आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर एंड डिविडेंड्स। ठीक, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से जीएसटी चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक, उसमें कोई डाउट्स तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने कोई कमेंट नहीं किया था, इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ वो आप सबको अच्छे से समझ में आया है। ठीक, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शेयर एंड डिविडेंड्स। तो सबसे पहला जिसमें वर्ड आया है शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं शेयर के मतलब की बात करूं तो बचपन से ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग होता है ना। ठीक, तो कोई भी चीज़ होता है जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक केक है, केक है ना, तो चार फ्रेंड है तो हम इसको क्या करते हैं, फोर इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, एक एक पार्ट सब लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो शेयर का मतलब है, शेयर का मतलब ये नहीं होता शेयर का। अब देखो शेयर का मतलब क्या हुआ, इसी केक को मान लो तुम्हारे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, मान लो तुम्हारा फ्रेंड क्या है, अभिषेक है, अभिषेक का क्या आया, बर्थडे आया। ठीक, अभिषेक का बर्थडे आया और अभिषेक के चार फ्रेंड हैं, राम है, श्याम है, गोलू है और मोनू है, चार फ्रेंड है, ठीक है ना। और ये जो केक है वो 200 रुपए का आया, केक है 200 रुपए का आया। अब देखो ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि कोई अभिषेक का बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो, जो ज्यादा क्लोज फ्रेंड होता है वो क्या करता है, ज्यादा पैसा शेयर करता है किसी के बर्थडे केक मंगाने के लिए। तो मान लो राम इसका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो केक मंगाने के लिए राम ने 80 रुपए इन्वेस्ट किए, यानी 200 रुपए का केक था, तो राम बोलता है चलो भाई 80 रुपए मैं दे दूंगा, यानी राम ने कितना दिया, 80 रुपए राम के हो गए। ठीक, फिर श्याम बोला ठीक है 40 रुपए मैं भी दे देता हूं, 40 नहीं 50 दे देता हूं मैं, श्याम ने कितना दिया 50 रुपए। फिर आता है हमारे पास मोनू, मोनू देता है 40 रुपए और गोलू देता है हमारा 30 रुपए। ठीक, ये क्या होता है मोनू और ये होता है गोलू, यानी अभिषेक का बर्थडे मनाने के लिए 200 रुपए का केक लाया गया, और इस 200 रुपए में 80 रुपए किसने दिए थे, राम ने, 50 रुपए दिए श्याम ने, 40 रुपए दिए मोनू ने और 30 रुपए दिए गोलू ने। ये जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। अब चूंकि देखो छोटे टर्म पे केक, अगर मैं बोलूं केक पे किसका कितना हक है, तो जितना जो पैसा इन्वेस्ट किया उसी की रेशियो क्या होता है, उसका उतना हक होता है उस पर, ठीक है ना। तो जो ज्यादा इन्वेस्ट किया मतलब जिसने ज्यादा रुपए लगाए हैं 80 रुपए, उसका ज्यादा उस पर हक होगा, जिसने कम रुपए लगाए हैं उस पर उतना हक होगा। चूंकि यह केक है इसके बर्थडे कार्ड के खत्म कर, अगर यह केक नहीं होता है, केक क्या करते लोग खरीद के, अब अभिषेक का मान लो बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते, अभिषेक का कोई दूसरा दोस्त है, मान लो यहां पर अभिषेक था, अभिषेक ठीक है, इसका एक दोस्त था अमरदीप, अमरदीप क्या है अभिषेक का दोस्त है। अब क्या था, अमरदीप को पता था किसका अभिषेक का बर्थडे है, लेकिन उसके वो केक की दुकान पे गया, केक खत्म है, कोई केक नहीं है। अब चूंकि इन चारों ने मिलकर केक खरीद रखा कितने रुपए का, 200 रुपए का, तो ये बोलता है अमरदीप यार केक जो है अब तुम लोग मुझे दे दो, 200 की बजाय तुम लोग कितना ले लो, 250 रुपए ले लो। ठीक, अब सोचो अगर यही 200 का केक 250 रुपए में अमरदीप को बेच देते हैं चारों, तो क्या कहते हैं, क्या सबको 80 रुपए मिल जाएगा, पहले राम को 80 मिलेगा, श्याम को 50 मिलेगा, मोनू को 40, गोलू को 30, इस तरह 200 रुपए खत्म हो गए। जब 200 खत्म हो गए उसके बाद 50 रुपए बचेंगे। अब एक बात तो, क्या ये 500 रुपए इन चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं ना, क्यों, क्योंकि राम ने ज्यादा पैसा लगाया है, तो जितना मोनू को मिलेगा, राम ने चूंकि मोनू का डबल लगाया था, मोनू ने लगाया था 40 रुपए और राम ने लगाया था 80 रुपए, तो जितना मोनू को इस 50 रुपए में मिलेगा, राम को क्या मिलेगा, उसका जस्ट डबल मिलेगा, ठीक है ना। यानी उसी रेशियो में डिवाइड होगा ये प्रॉफिट, जिन रेशियो में इन दोनों ने, इन चारों ने मनी इन्वेस्ट किया था, पैसे लगाए थे, समझ में आया। तो इसी तरीके से जब बात करते हैं शेयर की, देखो यहाँ पे केक था, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो तो 250 रुपये एक साल मान लो अफोर्ड नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, दोस्तों ने मिल गया कि ऐसे जब बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, जैसे कोई स्टार्टअप होता है या कोई कंपनी जब
स्टार्ट की जाती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो कंपनी ओपन करते हैं यानी जो स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, सारा पैसा एक साथ अकेले नहीं लगा पाता। उस मतलब सपोज करो जो भी कंपनी कोई स्टार्टअप होता है वो एक दो रुपये में तो होगा नहीं, उसको स्टार्ट करने की कितने रुपए की जरूरत होती है, करीब करीब मान लो 5-6 करोड़ रुपए। अब 5-6 करोड़ रुपए किसी के पास ऐसे तो होते नहीं है, तो क्या करता है इस 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराने के लिए क्या करता है, इन्वेस्टर्स ढूंढता है। क्या ढूंढता है, इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अभी 5 करोड़ की जो टोटल मनी होती है इसको छोटे छोटे शेयर में डिवाइड कर देता है। वो शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, वो शेयर 50 रुपए का भी हो सकता है, वो शेयर 100 का भी हो सकता है, और वो शेयर क्या हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है या 1 करोड़ का भी हो सकता है, यानी वो शेयर की वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब ये जो मनी था वो शेयर्स में से डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है जब 4-5 लोग मिलकर जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शेयर। जो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। अब देखो, तो जो छोटा छोटा अमाउंट लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर, ठीक। उसके बाद आता है हमारा शेयर के 4-5 टाइप होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो अभी मैं बता रहा था कि पहले 280 रुपये था, उसके बाद से उसी चीज को 250 रुपये में बेचा गया, ठीक है ना। मे भी उसी को 300 रुपये में बेच सकते थे, ठीक। तो जो टर्म्स यूज करते हैं हम लोग, पहले यूज करते हैं नॉमिनल वैल्यू, क्या होता है नॉमिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू। प्रिंटेड वैल्यू क्या होता है हमारा, प्रिंटेड वैल्यू समझो, प्रिंटेड वैल्यू क्या होता है, जो शेयर की स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है, जैसे 100 रुपये था, जो केक खरीदने में 80 रुपये लगाया था, कोई 50 रुपये लगाया था, कोई 30 रुपये, कोई 40 रुपये, वो जो वैल्यू था वो क्या था तुम्हारा, प्रिंटेड वैल्यू, या वो स्टार्टिंग में जो लगता है। शेयर की वैल्यू क्या होती है, पूरे टाइम में चेंज नहीं होती, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू, ठीक है ना। सेकेंड आता हमारा मार्केट वैल्यू, पहला क्या था हमारा प्रिंटेड वैल्यू, ये हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। सेकेंड होता है हमारा मार्केट वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। अब एक चीज देखो, प्रिंटेड वैल्यू जैसे मैंने केक की बात किया था 200 रुपये था, ठीक। एक बार तुमने अमरदीप को 250 रुपये में बेच दिया था, अब मे भी तुम अगर बोलते कि नहीं यार मैं 250 में नहीं दूंगा, मैं 300 में भी दूंगा, ठीक है ना, वो वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है ना। 250 में भी तुम थोड़ा सा नेगोशिएट करता अमरदीप तो उसको 220 रुपये दे देते, ठीक है ना, या कुछ और लेते। तो ये 250, 220, 300 या जो कुछ भी वैल्यू होगी वो क्या होती है, वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी ये मार्केट के हिसाब से क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू, ठीक। अब देखो, कभी कभी हम बात करते हैं शेयर जो होता है हमारा एट पर होता है, कभी कभी क्या होता है बिलो पर या प्रीमियम बोलते हैं हम लोग, सॉरी एबव पर, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी बोलते हैं, और कभी कभी क्या होता है डिस्काउंट या बिलो पर, बिलो पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है ना। अब देखो, जो शेयर की प्राइस थी 200 रुपये, ठीक, अगर तुम 200 रुपये में ही दे देते, जो केक था हमने उसको हम लोग शेयर मान लेते हैं, शेयर अगर 200 रुपये का था, ठीक है ना, तो अगर तुम 200 रुपये में दे दो, यानी 200 का खरीदे थे 200 में बेच दो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट पर, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक। फिर आता हमारा एबव पर, एबव पर का मतलब हुआ 250 रुपये में, यानी 200 से ज्यादा जब कुछ भी बेचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जब हमें प्रॉफिट गेन हो रहा होता तो उसे हम बोलते हैं एबव पर या प्रीमियम, और अगर हम उसी को डिस्काउंट में देते हैं, मान लो 200 खरीदा था, बोलो यार अभिषेक हमारा भी फ्रेंड है, चलो ठीक है तुम 200 रुपये मत दो, 150 रुपये दे दो, तो तुमने क्या किया, 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, दिया ना, यानी जो प्रिंटेड प्राइस था 200 उससे थोड़ा सा कम दे दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिलो पर या डिस्काउंट, एट ए डिस्काउंट, समझ में आ गया ना। तो देखो शेयर क्या होता है, समझ में आ गया, जो अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कई लोग मिलकर जब कुछ अमाउंट शेयर करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। और शेयर में जो कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे प्रिंटेड वैल्यू क्या होता है, जितने में शेयर खरीदा था वो जो होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया जाता है शेयर की जो वैल्यू होती है, वही क्या होता है हमारा प्रिंटेड वैल्यू। यानी जैसे यहाँ पे बोलो केक को बनाने में, मान लो केक जब दुकान से लाए तो ये लोग 80 रुपये लगाए, 50 रुपये लगाए, 40 रुपये, तो जो स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट होता है वही क्या होता है हमारा प्रिंटेड वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू।
फिर आता हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है, जो चेंज होता रहता है हमेशा, यानी शेयर कभी कभी क्या होता है मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ती है कभी घटती है अकॉर्डिंगली, उसे क्या बोलेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू, यानी जितने भी हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उसे क्या बोलेंगे मार्केट वैल्यू। फिर एट पर क्या होता है, हम जितने में शेयर को खरीदे रहे हैं, अगर या जो शेयर की स्टार्टिंग की वैल्यू थी, मान लो शेयर की वैल्यू 200 थी, तो अगर 200 थी और हम 200 में बेच देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे एट पर, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा में, यानी 200 से कुछ भी ज़्यादा, 201 रुपये में दे, 220 में दे, 230 में दे, या 250 कुछ भी में, 200 से ज़्यादा बस हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एबो पर, और अगर वो चीज़ 200 से कम में होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे बिलो पर। ठीक, अब आते हैं हम लोग डिविडेंड पर। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड की जब बात करते हैं तो देखो डिविडेंड हमेशा क्या होता है परसेंटेज में होता है, ये हमेशा पहली चीज परसेंटेज में होगा। सेकेंड चीज हमेशा प्रिंटेड वैल्यू आप शेयर पे होगा, यानी प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड एक प्रॉफिट होता है, यानी जैसे हमने 200 रुपए का केक जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर उसी को तुम 250 में 220 में बेच रहे हो तो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब भी तुम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे केक की बात की तो उसको भूल जाओ, केक में ज़्यादा मत उलझे रहो क्योंकि वो दोस्त के लिए था, लेकिन अगर कहीं पे जैसे स्टार्टअप में मैंने बात किया था 5 करोड़ रुपए लगाने, तो आप जो रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो जब हम कहीं पे इन्वेस्ट कुछ करते हैं ना, तो हमारा एक मोटिव होता है कि हमें उससे कुछ बाद में गेन मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना, वो जो रिटर्न होता है ना वो आपकी स्टार्टिंग के इन्वेस्टमेंट पे होता है। कि अगर मान लो किसी ने, मैंने बताया था ना, जैसे एक 80 रुपये लगाया था, एक 40 रुपये, तो इसको 80 रुपये पे मिलेगा और इसको किस पे मिलेगा 40 रुपये। अब मान लो इसी 80 रुपये की जो वैल्यू थी ना, बाद में मान लो 500 हो गई, ठीक है ना, तो 500 पे नहीं मिलेगा, तो 40 वाली की वैल्यू 250 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा ये 500 पे नहीं मिलेगा, मतलब जो डिविडेंड मिलेगा वो में से इसको 80 पे मिलेगा और इसको 40 पे मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि अब 250 पे भी, यानी जो शेयर की मार्केट वैल्यू है उस पे डिविडेंड दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा डिविडेंड शेयर की जो प्रिंटेड वैल्यू होती है या नॉमिनल वैल्यू होती है उस पे दी जाती है। ठीक है ना, और हमेशा किस टर्म में दी जाती है, परसेंटेज में। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग 10% RS120 एट 150 मान लो। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कोई लिखा मान लो 10% RS120 एट 150, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो होता है हमारा ना, ये होता है मार्केट वैल्यू। क्या होता है हमारा मार्केट वैल्यू, और ये जो होता है हमारा क्या होता है प्रिंटेड वैल्यू, और ये होता है हमारा डिविडेंड। समझ में आया, ठीक, यानी डिविडेंड हमेशा किस पे आएगा, प्रिंटेड वैल्यू ऑफ द शेयर पे आएगा, और मार्केट वैल्यू पे हमेशा हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, ठीक। अब देखो एक बार अभी मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, तो कोटेशन या डिविडेंड आपको अच्छे समझ में आएगा, शेयर क्या होता है अच्छे समझ में आएगा। तो उसके पहले हम लोग कोटेशन, जो अभी थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने कोटेशन, कोटेशन का मतलब यही चीज, जैसे अगर मान लो दिया गया है ऐसे स्टेटमेंट एक दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने जो ऊपर लिखा है कि 10% RS120 एट 150, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब पहला चीज होता है कि जो डिविडेंट है या शेयर है, शेयर की प्रिंटेड वैल्यू, यानी प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शेयर हो क्या हमारा 120 है। सेकेंड मार्केट वैल्यू क्या है हमारा, मार्केट वैल्यू जो होगा हमारा क्या होगा 150 होगा। थर्ड चीज जो होगा हमारा डिविडेंड आता है हमारा, क्या आएगा डिविडेंड, डिविडेंड क्या आएगा 10%। ठीक, अभी 10% डिविडेंड आए किस पे आएगा, 10% ऑफ 120, क्योंकि हमेशा किस पे आएगा प्रिंटेड वैल्यू पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10% निकालोगे तो 12 आ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम, यानी इनकम पर एनम, पर एनम का इनकम क्या हो जाएगा 10% ऑन 120, यानी 10% ऑफ 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 120/100, तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। समझ में आ गया, इतने सारे पॉइंट्स। और एक पॉइंट जो होता है हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है, वो क्या आता है रिटर्न।
जो रिटर्न होता है, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जो रिटर्न होगा वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंटेड वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे? रिटर्न हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम शेयर बाई करेंगे तो हम मार्केट वैल्यू पे बाई करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का हमें पता नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से हो तो स्टार्टिंग का लगाओगे, अदरवाइज आपको हमेशा मार्केट वैल्यू पे खरीदना पड़ता है उसको। तो जो रिटर्न होगा हमेशा किस पे आएगा, मार्केट वैल्यू पे। तो बताओ इनकम कितना है, 12 है, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकालो, किस पे निकाला जाएगा, 150 पे, तो हमारा आ जाएगा 12/150×100। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा हमारा 8%, ठीक है ना, समझ में आया। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैंने शेयर बताया, फिर डिविडेंड बताया और बताया कोटेशन। देखो डिविडेंड क्या होता है, हमेशा प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शेयर पे होता है। जैसे मैंने कोटेशन लिया कि लिखा 10% ऑफ आरएस 120/150, तो यहाँ पे जो जिसके पहले एट लगा होता है वो क्या होता है हमारा मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, या कास्ट प्राइस, और जो परसेंटेज में दिया होता है हमेशा डिविडेंड होता है, और आरएस यानी जो होता है हमारा क्या होता है प्रिंटेड वैल्यू। और इसका जो मतलब हुआ है मैंने आपको बता दिया कि इस कोटेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब दो चीज और आती है, एक आता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है इनकम और रिटर्न, ठीक है ना। तो जब बात हम करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इसको मैं रब कर देता हूं, तो अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो देखो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है कि आपने कितने शेयर खरीदे उस पर डिपेंड करता है, कि जैसे हमने कैलकुलेट किया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टेड मनी, इन्वेस्टेड मनी यही इन्वेस्टमेंट होगा हमारा। इन्वेस्टेड मनी क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, आपकी बुक में फार्मूला दिया है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रिंटेड वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक। और जो इनकम होता है, इनकम होता हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड इंटू प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शेयर, समझना। देखो मैंने बताया था इनकम हमेशा प्रिंट मतलब डिविडेंड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि जो आपका डिविडेंड है प्रिंटेड वैल्यू का उतने परसेंट आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग इनकम। तो मान लो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 10% था, तो आपको यहाँ पे एक शेयर से कितना मिल रहा था, 10% ऑफ 120 यानी आपको मिल रहा था 12 रुपए। तो मान लो अगर आप 10 शेयर खरीदते तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते यानी हमको मिलता टोटल 120 रुपए, समझ में आया। जो थर्ड आता हमारा रिटर्न, जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न क्या होता है, देखो रिटर्न मैंने किससे बनाया था, इन्वेस्टेड अमाउंट पे, यानी जो इससे पे तो हम लोग निकालते थे मार्केट वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू पे ही तो आएगा जो आप इन्वेस्ट किए हो। देखो आप मान लो रिटर्न किस पे देखते हो, जितना पैसा लगाते हो उसी पे तो देखते हो, तो आप पैसा कितना लगा रहे हो, इन्वेस्टेड मनी, उसी पे देख रहे हो, तो हमारा क्या हो जाएगा रिटर्न, इनकम अपॉन इन्वेस्टेड मनी इंटू 100, एक आ जाएगा आपका रिटर्न परसेंटेज में आएगा, इतने परसेंट क्या होगा आपका रिटर्न होगा, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। चारों पॉइंट्स देख लो आप लोग, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप क्या करते हो, जितना शेयर खरीदते हो उसको मार्केट वैल्यू आप इस शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हो, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाता है। जब बात करते हैं हम लोग इनकम की, तो इनकम क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड इंटू प्रिंटेड वैल्यू ऑफ इस शेयर, और जब रिटर्न की बात करते हैं हम लोग तो इनकम अपॉन इन्वेस्टेड मनी इंटू 100, आपका क्या आ जाता है रिटर्न, समझ आया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं, यानी आपकी बुक में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं और कैसे आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो इसको मैं रब करता हूं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मैं 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद से आपको जो भी डाउट्स आए जैसा भी आए आप क्या करोगे, कमेंट कर देना या मुझे मैसेज कर देना, मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करा दूंगा। लेकिन इन 3 क्वेश्चन से मेरे ख्याल से आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं जो आपके एग्जांपल्स में दिया है, राम हैज 450 शेयर्स, नोट कर लेना, राम हैज 450 शेयर्स, मैं लिखूं, ठीक है लिख देता हूं, राम हैज 450 शेयर्स, यार मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, आपकी बुक में एग्जांपल्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना, तो आप एक बार पढ़ लो, मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा एक्सप्लेन कर दूंगा तीनों क्वेश्चंस को, और मैं एक एक करके सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया है, राम हैज 450 शेयर्स ऑफ 200 ऑफ ए कंपनी
पेइंग ए डिविडेंड ऑफ 16%, यानी जो शेयर है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करता मैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 450, प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या दिया है, शेयर दिया 200, यानी क्या दिया है आरएस 200, डिविडेंड दिया 16%, यानी डिविडेंड, डिविडेंड हमको क्या दिया है 16%। फिर आपसे बोला है फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स ऑफ 20%, यानी देखो अगर इसका डिविडेंड है 16% तो इसके बेसिस पे इसे कुछ इनकम मिलेगी, तो पूछा है बताओ उसकी नेट इनकम क्या होगी जब वो टैक्स पे करेगा, और टैक्स कितना पे करेगा 20%, ठीक है ना। तो बताओ राम की इनकम क्या होगी, तो सिंपल है, देखो मैंने इनकम का फार्मूला बताया था, इनकम क्या था हमारा, यानी अगर मैं बात करूं टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम क्या होगी, टोटल इनकम हमारी होगी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू डिविडेंड, ठीक, क्या आ जाएगा हमारा, हाँ ये परसेंटेज में था, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 450, वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है 200 इंटू 16/100, डिविडेंड था हमारा, ठीक। तो देखो जीरो से जीरो कट गया, ठीक, 16 इंटू ये करो 16 × 32, तो हमारा या 45 × 90 कर दो, तो 900 इंटू 16 आ जाएगा, और 16×9 जो हमको पता है कितना होता है 144, तो 1450 ये क्या आ जाएगा इसका टोटल इनकम आएगा, लेकिन इस इनकम का इसे 20% क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% अगर ये टैक्स देगा तो नेट इनकम क्या होगा, नेट इनकम, नेट इनकम देखो जितना टैक्स देगा, देखो 100 रुपए मान लो उसकी इनकम होती तो 20 रुपए क्या करता, टैक्स देता, ठीक। तो हम क्या करेंगे टोटल इनकम यानी 1440 माइनस 20% ऑफ 1440 यानी 1440 माइनस इसको क्या कर देंगे 20/100 इंटू 1440, एक जीरो इससे कट गया और एक जीरो ये कट गया, 144 × 288 यानी 1440 माइनस 288, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1152, ठीक, देख लो मेरे ख्याल से कोई गलत, हाँ यार एक चीज देखो 16 यहाँ पे दो जीरो था तो यहाँ पे मैं एक जीरो लगाना भूल गया, ठीक है, क्योंकि 16×9 = 144 था फिर दो जीरो था, ठीक, तो यहाँ पे क्या लगाओ एक जीरो और लगाओ, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा और यहाँ भी एक जीरो, ये भी एक जीरो, तो क्या आ जाएगा ये 11,520, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मैं रब करता हूं, देखो एक बार मैंने तब पहले मैं समझा देता हूँ क्या करना था, हमें हम इनकम निकाले हैं, इनकम निकालने के बाद क्या करेंगे जो टोटल इनकम आएगा उसका 20% माइनस कर दिए, बस हमारा क्या आ जाएगा नेट इनकम आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन दिया है अ मैन इन्वेस्ट 9600 on 100 शेयर्स एट 80, क्या दिया है अ मैन इन्वेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट कितना है 9600 इन्वेस्टेड अमाउंट है, ठीक ना, फिर हमें क्या दिया 100 शेयर्स एट 80, यानी जो मार्केट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो अ मैन इन्वेस्ट 9600 ऑन 100 ऑन आरएस 100 शेयर्स एट 80, यानी मैंने बताया था जिसके पहले एट लगा होता है क्या होता है हमारा मार्केट वैल्यू, तो अगर मैं बोलूं कि प्रिंटेड वैल्यू क्या होगा हमारा, प्रिंटेड वैल्यू की बात करूं तो क्या होगा हमारा 100, और अगर मैं मार्केट वैल्यू देखूं वो क्या हो जाएगा हमारा 80, ठीक। पूछता है इफ द कंपनी पेस हिम 18% डिविडेंड, यानी डिविडेंड कितना दिया 18%, यानी डिविडेंड कितना दिया 18%, तो बताओ पहला दिया है द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइस,
तो पहले हमें कैलकुलेट करना सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो अगर आपको याद है तो मैंने बताया था इन्वेस्टेड मनी जो था हमारा वो क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वैल्यू ऑफ ईच शेयर, यही मैंने बताया था, ठीक है ना। इन्वेस्टर मनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब अगर मैं पूछूं आपसे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, इन्वेस्टेड मनी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या समझ आया, इसको यहां मल्टीप्लीकेशन में इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी जब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करता हूं तो क्या आएगा हमारा इन्वेस्टेड मनी, यानी इन्वेस्टेड मनी अपॉन मार्केट वैल्यू यानी एमवी ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, मार्केट वैल्यू क्या दिया हमारा 9600 और मार्केट वैल्यू क्या दिया 80, यानी 80 से इसको डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो कट गया, 12 एट जा 96, यानी क्या जाएगा 120, यानी क्या करेगा जो आदमी है वो टोटल 120 शेयर क्या करेगा, बाई करेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया 120। फिर हमसे पूछता है हिज टोटल डिविडेंड, अच्छा देखो टोटल डिविडेंड क्या होगा, एक शेयर का क्या होगा 18%, तो 120 शेयर है तो क्या होगा 18 into 120, यानी टोटल डिविडेंड का मतलब आपसे क्या पूछा है टोटल इनकम, यानी अगर मैं इनकम की बात करता हूं या टोटल डिविडेंड यही क्या होता है हमारा इनकम होता है, ये क्या होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड इनटू प्रिंटेड वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारा 120 इंटू डिविडेंड कितना है 18%, तो इंटू 18/100 इंटू 100, जीरो जीरो कट गया क्योंकि प्रिंटेड वैल्यू कितना था हमारा 100 था, तो 100 से 100 कट गया। फिर क्या करोगे 18 जीरो हो जाएगा 36 कैरी कितना आ जाएगा हमारा 3 और 18 + 3 = 21, यानी टोटल डिविडेंड क्या आ जाएगा ₹21,160। समझ आ गया, यानी पहले हमने निकाला नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारा आ गया 120, टोटल डिविडेंड या इनकम क्या आ गया हमारा 2160। अब हमसे पूछा है हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन दी शेयर्स, ठीक है। एक चीज देखो हमें पूछा परसेंटेज रिटर्न ऑन दी शेयर, तो देखो ऑन दी शेयर निकालो या इन्वेस्टेड अमाउंट पे निकालो बात तो एक ही होता है हमारा। तो अगर मैं बात करूं रिटर्न की बात करता हूं तो देखो रिटर्न क्या होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं मैं, तो रिटर्न क्या होगा हमारा परसेंटेज रिटर्न क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा टोटल कितना आया था इनकम 2160 और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 9600 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। तो देखो जीरो से जीरो कट जाएगा दोनों जीरो, इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 8 से कट जाएगा ये 8 12 96 और 8 से ये भी कट जाएगा 2 टाइम जाएगा, फिर 5 6 8 7 56 होता है हमारा। फिर देखो एक 2 से कट जाएगा ये 135 आ जाएगा यानी 135/6, ठीक। ये फर्दर देखो 3 से कट जाएगा ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा हमारा 2 यानी 45/2। इसको सिंप्लीफाई और करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22.5%, ये क्या हो जाएगा हमारा रिटर्न आ जाएगा, यानी परसेंटेज रिटर्न की बात करता हूं तो 22.5। समझ आ गया मेरे ख्याल से, ठीक। यानी सबसे पहले हमें जो दिया होता है उससे हम नोट डाउन कर लेंगे कि क्या क्या दिया है, उसके बाद से जो हमें निकालना होगा फार्मूले में यूज करके उसको निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम्स थे, अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसको मैं नोट डाउन भी करता हूं, आप लोग नोट कर लो।
फिर क्या करते हैं क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो जो लास्ट क्वेश्चन और लिखा है अमन, मैं इसको नोट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो लिखा है अमन इन्वेस्ट, अमन इन्वेस्ट 13,500 रुपी, यानी यहां पे आरएस लगा लेना यार, आरएस 13,500 पार्सली पार्सली इन 6% 6% आरएस 100, ठीक, यानी शेयर की वैल्यू दिया प्रिंटेड वैल्यू, शेयर्स एट 140 ये दिया है आरएस 140, ठीक है, एंड एंड पार्सली 5% आरएस 100 एट से 125, इफ हिज टोटल इनकम इज आरएस 560, ठीक है ना। तो अब बताना हाउ मच हैज ही इन्वेस्टेड इन ईच, हाउ मच हैज ही इन्वेस्टेड इन ईच, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूं, दिया है अमन इन्वेस्ट 13,500 पार्सली इन 6% आरएस 100 शेयर्स एट आरएस 140 एंड पार्सली 5% आरएस 100 एट आरएस 125, इफ हिज टोटल इनकम इज रुपी 560, हाउ मच हैज ही इन्वेस्टेड इन ईच, ठीक है ना। तो मान लो, तो हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट ही इन्वेस्टेड आर एस एक्स एट 6%। अब देखो 6% में अगर एक्स रुपए इन्वेस्ट किया तो बताओ टोटल शेयर कितने खरीदेगा, क्योंकि एक शेयर की प्राइस कितना है, एक शेयर की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लिखा है 140 रुपी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा इसका, एक्स अपॉन 140, ठीक। इसी तरीके से आप देखो उसके पास टोटल 13,500 रुपी थी, उसमें से एक्स रुपए को किसमें इन्वेस्ट कर दिया 140 वाले में, तो बचा अमाउंट कितना, यानी अमाउंट कितना बचेगा, अमाउंट बचेगा उसके पास 13,500 माइनस एक्स, और ये किसमें इन्वेस्ट करेगा, सेकेंड शेयर में जो 5% मिल रहा है, और उस पर बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, जैसे यहां पर हुआ एक्स अपॉन 140, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा 13,500 माइनस एक्स अपॉन 125, यानी ये फर्स्ट टाइप का, और ये हमारा क्या है 5% वाला है, ठीक है ना। तो 6% वाला हमें कितना ला, एक्स अपॉन 140, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर है, 5% वाला 13,500 माइनस एक्स अपॉन 125, दोनों टाइप के हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, क्योंकि ये हुआ हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट और ये हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ शेयर। अब मैं बात करूं दोनों से इनकम की, तो देखो टोटल इनकम जो होगा हमारा क्या होगा, टोटल इनकम, तो देखो टोटल इनकम मैंने क्या किया, क्या बोला था, नंबर ऑफ शेयर, यानी अगर मैं पहले की बात करता हूं तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हमारा, एक्स अपॉन 140 इंटू डिविडेंड, और फर्स्ट का डिविडेंड कितना है 6%, यानी 6/100 हो जाएगा, इंटू सेकेंड क्या था हमारा, प्रिंटेड वैल्यू ऑफ इस शेयर जो कि क्या हमारा 100, प्लस सेकेंड से भी कुछ इनकम आएगा, वो क्या आएगा हमारा, इस शेयर की वैल्यू देख लो कितना है हमारा, 13,500 माइनस एक्स अपॉन 125 इंटू डिविडेंड कितना है 5%, यानी 5/100 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, और इंटू 100, समझ में आया, क्योंकि 100 क्या है, प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शेयर, समझ में आया। तो देखो मैं भी थोड़ा सा फास्ट हो गया हो, लेकिन उसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मान लिए कि वो 6% में एक्स रुपए इन्वेस्ट किया, तो बचेगा कितना 13,500 माइनस एक्स, जो कि वो 5% में इन्वेस्ट करेगा, और जब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ शेयर्स की, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ हिज शेयर,
इन्वेस्टेड अमाउंट था x, मार्केट वैल्यू 140 यानी x अपॉन 140, ऐसे इन्वेस्टेड अमाउंट था 13,500 माइनस x और मार्केट वैल्यू 125, तो डिवाइड कर दिया आ गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। फिर मैंने बताया टोटल इनकम, अब देखो इन टोटल इनकम जो होगा कुछ इनकम यहां से होगा कुछ इनकम यहां से होगा, जो यहां से इनकम हुआ वो क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड इंटू प्रिंटेड वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड इंटू प्रिंटेड वैल्यू ऑफ ईच शेयर, और टोटल इनकम की वैल्यू कितना दिया है 560। तो इसको लिख दो तुम 560 इज इक्वल टू, देखो 100 से 100 कट गया, काटना चाहो तो देखो ये 6 होगा इससे कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 70, यानी 3x अपॉन 70 प्लस यहां भी देखो 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 125, ये क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, तो प्लस हमारा आ जाएगा 13,500 माइनस एक्स अपॉन 25। समझ में आया, आप क्या करोगे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एलसीएम लेता हूं, ठीक है ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा, देखो ये 14 इंटू 5 लिखा है, एलसीएम कैसे लेते हैं जी मैं बताता हूं, ये देखो ये लिखा है 14 इंटू 5 और ये क्या लिखा है हमारा 5 इंटू 5, ठीक है ना, तो देखो तो यहां भी 5 यहां भी 2 5 है और एक 14 है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 5 इंटू 14 यानी 25 इंटू 14, और 25 इंटू 14 आपको पता है कितना होता है, क्या हो जाता हमारा 350, तो 350 एलसीएम हो गया हमारा, यहां से 70 डिवाइड करो 5 यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15x प्लस इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 14 इंटू 13,500 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 20 पहले लिख देता हूं मैं, फिर 14 5 जो 70 एक 0 और 14 इंटू 13 क्या होता है हमारा 182 था और 7 यानी 189 आ जाएगा हमारा माइनस 14x, ठीक 15x माइनस 14x क्या आ जाएगा हमारा 15x माइनस 14x, इसको 350 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या 560 लिख देता मैं, 560 इक्वल टू दिस 15 इंटू 15x माइनस 14x क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 189000 अपॉन 350, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो 350 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं क्या करता हूं क्योंकि नीचे हो जाएगा आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहां पे ये पोर्शन मिटा देता हूं, ठीक। अब देखो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 560 इंटू 350 इज इक्वल टू x प्लस 189000, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 20 आ जाएगा यहां पे 56 इंटू 35, यानी पहले मैं क्या करूंगा 56 इंटू 5 करूंगा, तो 56 इंटू 5 होता हमारा 280, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कैरी आएगा 28, 56 3 जब बात करूँ तो 168, 168 प्लस 28 क्या आ जाएगा हमारा 168 प्लस 28, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता 96 लेकिन आप लोग को कन्फ्यूजन होता, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 196, ठीक। तो देखो 196 आ गया हमारा, आप क्या करना मल्टीप्लाई कर लेना इज इक्वल टू एक्स प्लस 189000, अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 196000 माइनस 189000 इज इक्वल टू एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7000, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई 7000, तो अगर इस पे 7000 इन्वेस्ट करेगा तो दूसरे पे ना करेगा 13500 माइनस x, यानी इस पे क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड अमाउंट आ जाएगा, यानी दिस तो आ जाएगा हमारा 6500, क्योंकि x की वैल्यू क्या था हमारा 7000। समझ में आया, तो देखो जो भी क्वेश्चन था आप लोग पॉज करके वैक पे जाके देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मानते हैं कि एक टाइम में वो x परसेंट इन्वेस्ट करेगा तो दूसरे टाइम में क्या करेगा, जो टोटल अमाउंट होगा उतना माइनस x, फिर हम क्या करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने इसका कैलकुलेट किया था तो x अपॉन 140 आया था, दूसरे का 13,500 माइनस x अपॉन 125 आ गया, फिर हमने क्या किया टोटल इनकम किया, टोटल इनकम कैलकुलेट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक हमारा हो जाएगा 7000, दूसरा क्या हो जाएगा 6500, ठीक। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक बटन दबाना ना भूलें, मतलब लाइक करो यार, और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो जिससे दोस्तों जो भी देखे उसका जो भी मतलब जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी हो, ठीक है ना, और हमारा थोड़ा सा नाम होगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में
मैं डिसेस पे अपलोड करूंगा, वो कल या परसों आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।